जन सरोकार मंच पर कुलदीप जी आपका स्वागत है। आज हम कुलदीप जी से उनकी एक कहानी सुनेंगे। स्वागत है कुलदीप जी। धन्यवाद देवेंद्र जी और नमस्कार सभी साथियों को। मेरी कहानी का शीर्षक है निराले दोस्त। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए सोनू के अधिकांश दोस्त अपने ननिहाल चले गए। यूं तो वह भी अब तक अपने ननिहाल चला गया होता, लेकिन उसकी बड़ी बहन रानी की बोर्ड की परीक्षाओं के आगे खिसकने के चलते 2 सप्ताह बाद वह जा पाएगा। दिन भर घर पर टीवी देखकर वह ऊब गया था। तेज धूप होने के कारण मम्मी ने बाहर खेलने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में घर पर बैठकर समय बिताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह अपना अधिकांश समय टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने और बालकनी में बैठकर बाहर के नजारे देखने में बिताने लगा। ना चाहते हुए भी मम्मी के कहने पर उसे 2 पहर में सोना पड़ता था। एक दिन दोपहर की नींद के बाद सोनू बालकनी में बैठ सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर घर के बगीचे में लगे नल पर गई। नल से टपकते पानी की बूंदों से एक चिड़िया अपनी प्यास बुझाने का प्रयास कर रही थी। एक बूंद पानी की पीने के बाद वो अगली बूंद टपकने का इंतजार करती। सोनू चिड़िया को एकटक देख रहा था। अचानक वो स्टोर रूम की ओर दौड़ा और उसने वहां से एक पुराना कटोरा लेकर उसमें पानी भरा और उसे बालकनी की खिड़की में रख दिया। अब वो दूर बैठकर चिड़िया का इंतजार करने लगा। टकटकी लगाए वो उस कटोरे की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद चिड़िया को आते देख सोनू की बांछें खिल गई। चिड़िया आई तो सही, लेकिन उसने पानी पीने के बजाय उसमें 4-5 डुबकी लगाई और फिर से उड़ गई। शाम को उसने सारी बात अपने मम्मी और दीदी को बताई। मम्मी ने बताया कि गर्मियों के दिनों में हम लोग तो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी जुटा लेते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए पीने का पानी जुटाना पाना भी संभव नहीं हो पाता। हमें इनके लिए पानी की व्यवस्था पेड़ों और घरों में खुली जगह पर परिंडे बांधकर करनी चाहिए, जिससे ये प्राणी भी भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सकें। मम्मी की बात सुनकर सोनू ने स्टोर रूम के सामान में से पुराने घड़े, प्लास्टिक के खाली डिब्बों से 4 परिंडे बनाए और उन्हें पेड़ों और बालकनी में लटका दिया। वह रोजाना उनमें पानी भरता और कुछ अनाज के दाने भी पक्षियों के लिए रखने लगा। धीरे धीरे बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षी वहां आने लगे और अपनी प्यास बुझाते और पानी में किलोल करते। इनमें से कई तो जो रोज वहां आते थे सोनू के दोस्त भी बन गए। सोनू ने उनके नाम भी रख दिए थे। अब सोनू के घर में पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंजने लगी थी और नए दोस्तों के साथ सोनू का मन भी लगने लगा था। तो इस तरीके से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों के दिन आने वाले हैं और ये कहानी मैंने बच्चों के लिए इसी बात को सोचकर लिखी थी कि इन जीवों के लिए भी पीने के पानी और भोजन की व्यवस्था में वो मददगार साबित हों। इसको लेकर के कुछ सवाल भी किए जा सकते हैं कि बच्चों को काम दिया जा सकता है कि क्या आपने भी कभी इन पक्षियों और पशुओं की मदद की है, अपना अनुभव उन्हें लिखने के लिए दे सकते हैं। तो ये थी मेरी कहानी निराले दोस्त। धन्यवाद।